आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर F की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। पहले दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ जो दिया गया जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि राइट डाउन 10 सेल्फ हेल्प टिप्स ऑन हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन अराउंड यू। कहता है क्या कि आप 10 सेल्फ हेल्प टिप्स की सहायता से आप नॉइज़ पोल्यूशन जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये तो खुद से ही आपको करने पड़ेंगे, आप इसे खुद से करें। अब मैं ज़रा बात करूँ कि जी नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो भी आप देखेंगे कि पहले ये कहता है क्या कि फील इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी डू एंड हैव। अब मैं ज़रा बात करूँ, कहता है क्या कि खाली जगहों को ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स जैसे बी डू एंड हैव के वर्ब फॉर्म्स की सहायता से इसे भरने। अब पहले ज़रा समझें आप कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ बी है, डू है एंड हैव है, ये सारे के सारे ये मेन वर्ब्स भी और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। और जब भी अगर मेन वर्ब्स में इसे तभी रखा जाता है जब ये हमेशा अकेले होते हैं। और जब मैं बात करूं कि एज ऑक्सिलरी वर्ब्स दे आर टीम्ड विथ अदर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स की जब मैं बात करूं तो ये इसके साथ हमेशा एक दूसरे वर्ब को अवश्य ही जोड़ा जाता है, उसकी टीम बनाई जाती है। अब मैं जैसे बात करूं कि यहाँ दिया है कि फ्रेड इज़ अ यंग बॉय, यहाँ इज जो वर्ड देखना ये क्या है तो ये मेन वर्ब है क्योंकि इसमें एक ही टू वर्ब यूज़ किया गया है। कहते हैं फ्रेड एक यंग लड़का है, फ्रेड इज़ ट्राइंग टू राइट अ बुक। फ्रेड क्या कर रहा है तो एक बुक लिखने की ट्राई कर रहा है। यहाँ इज जो देखना है इज़ क्या है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ज़रा बात करें कि यहाँ बी बी में जो आप देख रहे हैं बी डू एंड हैव की जब मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी बी में इतने सारे फॉर्म्स आते हैं। एम आता है, इज आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है, बींग आता है, बीन आता है। डू की फॉर्म में जब बात करूँ डज आता है, डिड, डू, और इसका यूज़ खास करके आप टेंस में देखते होंगे। और हैव का यूज़ मैं बात करूँ तो हैव में कहाँ कहाँ हैज़, हैव, हैड, हैविंग, ये सारे कभी कभी तो हैव एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, दोनों के रूप में ही काम करता है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ मेन वर्ब, कहाँ कहाँ इस ऑक्सिलरी वर्ब समझेंगे। आपको हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है जिस सेंटेंस में जब कोई एक एक जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्ब यूज़ किया गया हो तो उसे भी आप मेन वर्ब समझें। और जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक कोई मेन वर्ब या कि दूसरा भी कोई वर्ब अगर आ जाए तो उस रूप में उसे आप ऑक्सिलरी वर्ब समझें। और यहाँ राइट है, ये राइट क्या है तो ये राइट मेन वर्ब है, यहाँ डीड क्या है तो एक अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़रा क्वेश्चन जी की बात करूँ, जी की ओर ज़रा चलूँ तो जी को हम कैसे बनाते हैं उसकी बात ज़रा सा करता हूँ तो भी आप देखेंगे इसको। कि यहाँ कहता है जी नंबर में क्वेश्चन में का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी डू एंड हैव। बी डू एंड हैव, बी मतलब क्या कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बींग, बीन, ये सब की सहायता से। डू मतलब क्या है कि डज भी लग सकता है, डू भी लग सकता है, डिड भी लग सकता है। और हैव की बात करो तो हैव के साथ आप हैज़ भी लगा सकते हैं, हैव भी, हैड भी, हैविंग भी, सबका यूज जैसे जैसे होता है उसके अनुसार लगाने हैं। और इसके डिटेल्स भी मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा के मैं अपने चैनल पर डाला है, उसे भी खोज के आप अवश्य ही पढ़ें तभी जाके वो ज़्यादा क्लियर आपको हो पाएगा कि कौन कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, कौन कौन से मोडल्स होते हैं, कौन कौन से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सारी चर्चा मैंने उसमें करा है। अब कहता है क्या कि फर्स्ट में आते हैं आई डैश बेकिंग मफिन्स टुडे। तो मफिन्स क्या होता है? मफिन एक प्रकार का केक होता है, उसी को मफिन कहते हैं। कहते हैं क्या कि मैं एक क्या तो मैं मफिन्स बोले तो केक आज मैं क्या कर रहा हूँ, बेक कर रहा हूँ। तो यहाँ एम लगा, आई के साथ तो एम ही लगाएंगे प्रेजेंट टेंस के रूप में रखा जाए तो अभी भी खास करके सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एलेक्स डैश सिटिंग ऑन द टेबल, एलेक्स टेबल पर बैठ रहा है तो यहाँ इज लगा, एलेक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है इसलिए तो यहाँ इज लगेगा। द बॉयज डैश प्लेइंग बाई द ट्री, अब यहाँ बाई का मतलब समीप से है। क्लियर?
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ट्री के समीप खेल रहे हैं। गदर नॉमी डैज होपिंग टू गेट एन अ ग्रेड इन द एग्जाम। अब कहते हैं कि नॉमी ये आशा कर रहा है कि वो अपने एग्जाम में ए ग्रेड पाने की, तो यहाँ इज लगाएं, नॉमी इज। मदर्स लेबोरेटरी रिपोर्ट्स डैश मिसिंग एट द हॉस्पिटल। कहता है क्या है कि माँ की जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वो आर मिसिंग एट द हॉस्पिटल। यहाँ आर लगाएं क्योंकि यहाँ मोर देन वन की बातें हो रही है। आई डैश ग्रोइंग पैंसीज इन माई गार्डन दिस ईयर। अब यहाँ पैंसी क्या होता है, पैंसी मतलब होता है एक वन फूल, क्लियर। कहता है क्या है कि मैं इस साल मैं अपने बगीचा में क्या उगा रहा हूँ, पैंसी उगा रहा हूँ। बोले तो वन फूल उगा रहा हूँ, तो आई के साथ आप एम ही तो लगाएंगे। अब कहता है क्या है कि मार्गरेट डैश बॉट और प्लग्स। अब यहाँ ईयर प्लग्स में समझते हैं ना, कान बंद करने की जो डॉट होती है उसी को हम ईयर प्लग्स कहते हैं। कहते क्या है कि मार्गरेट बॉट है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसके लिए आप हैज ही लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है। तो मार्गरेट ईयर प्लग्स खरीद चुकी है, तो यहाँ हैज लगा। द गर्ल्स डैश ईट इन द फूड। पुनः फिर ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी को कहते हैं। तो कहता है क्या है कि द गर्ल्स हैव ईट इन द फूड। वो जो लड़कियां लोग हैं वो भोजन खा चुकी है, कर चुकी है। आई डैश रिटर्न बिफोर 2 PM सो आई डिडेंट सी यू। कहता है क्या है कि मैं 2 PM से पहले ही रिटर्न हो चुका था या हो चुकी थी, सो आई डिडेंट सी यू, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको नहीं देखी। यहाँ हेड लगाएं, दिस संडे आई डैश गेट एन एंटायर वीक ऑफ रेस्ट। कहते हैं क्या कि इस संडे मैं पूरे के पूरे सप्ताह की रेस्ट पाऊंगा या पाऊंगी, क्लियर। तो यहाँ देखते हैं कि हाई के साथ आप विल लगाएं क्योंकि कन्फर्म को शो कर रहा है, इस रूप से इसके साथ आप विल लगाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि आज आपका चैप्टर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसका जी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।